अज दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पुरब है और इस महान प्रकाश पुरब दियां समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 बधाइयां। जिस वक्त धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश होया उस वेले सारे समाज दे विच अंधकार फैलिया होया सी, कूड़ दी अमावस सी ते सच दा चंद्रमा जिहड़ा है वह किते भी दिखाई नहीं सी दे रहा। धरती उत्ते रहन वाले जीव खास तौर पर मनुख कुरला रहे सी, ईरखा वासना द्वैश हउमे हंकार की अग विच सड़ रहे सी। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने जदों जगत नूं तकिया ते सड़दे होए देखिया, भाई गुरदास जी के शब्दों के जलती सब पृथ्वी दिस आई, चढ़िया सोधन तर तो लुकाई, तो सड़ती हुई धरती ठारन वास्ते बलदी हुई मनुखता के सीने ठंडक पाउन वास्ते धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने चार उदासियां कीतियां। और धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जिन्हें भी उस वक्त धर्म और धर्मां दे मुखी जन सन उन्हां दे नाल संवाद रचाया, चाहे वह योगियों के धर्म गुरु सन, वड्डे वड्डे योगी सन, वड्डे वड्डे सिद्ध सन, हिंदू धर्म की प्रतिनिधता करन वाले प्रौढ़ विद्वान ब्राह्मण सन, इस्लाम की प्रतिनिधता करन वाले काजी मौलवी या मुफ्ती सन, जैनियां दे आगू सन, नाथां दे आगू सन, बौद्धां दे आगू सन, सब नाल ही गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने संवाद रचाया ते इहो समझाया कि अकाल पुरख एक है और उस एक नाल जुड़ना जिहड़ा है संसार दे अंदर मनुखता नूं ठंडिया कर सकता है। जिन्ना चिर समाज वखरेवियां दे विच रहेगा, वितकरेबाजियां दे विच पिया रहेगा, उन्ना चिर ये समाज जिहड़ा है ये दुखां दे नाल घिरिया रहेगा। तो जदों ये समाज ते समाज दे विच रहन वाले एक नाल जुड़नगे तो उदों ये एक हो जाणगे, तो जदों ये एक हो जाणगे तो इन्हां दीआं तकलीफां इन्हां दे दुख जिहड़े है वह घट जाणगे। और जिहड़ियां हुकूमतां जबर करदियां ने, जुल्म करदियां ने, इन्हां नूं भी जिहड़ा है उस वक्त ठल पै जाएगी जदों समाज दे विच एकता बन जाएगी। तो समाज दे विच एकता जिहड़ी है एक अकाल पुरख दे आधारित ही बन सकती है, इस करके अकाल पुरख एक है तो उस एक अकाल पुरख नाल जुड़न की जिहड़ी है वह सब तो वड्डी जरूरत है। ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने वेले दे विच समाज दे लोगां नूं सिक्ख्या दित्ती। धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने जदों सच का होका देना शुरू किया तो जिवें सूरज की रोशनी उल्लुआं नूं पाउंदी नहीं है, इस तरह जिहड़े सच के विरोधी सन, निंदक सन, उन्हां नूं गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह का यह उपदेश चंगा ना लग्या। गुरु नानक साहिब महाराज के फलसफे की उन्होंने विरोधता करनी प्रारंभ की, तो वह विरोधता इस हद तक चली गई कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं अपनी शहीदी देनी पई, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं दिल्ली के चांदनी चौंक के बलिदान देना पिया, मीरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं वक्त की हुकूमत दे नाल चार युद्ध लड़ने पए, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जालम हुकूमत के खिलाफ 14 जंग लड़ने पए। लेकिन अज भी असी जदों देखते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का फलसफा, गुरु नानक साहब वालों प्रगटाए हुए सच का प्रचार कर रहे हैं, तो अज भी निंदकों की कोई कमी नहीं है, अज भी दुखियों की कोई कमी नहीं है, जिन्हों चानण चंगा नहीं लगता, जिन्हों सूरज की रोशनी पाँदी नहीं है, वो हमेशा ही सच के इस महान फलसफे के विरोध के खड़े दिखाई देंगे ने। जिमें चोर उचक्कियां हनेरा पाँदा है रोशनी नहीं पाँदी, इवें गुरबाणी सच का चानण है तो जिन्हों हनेरा पाँदा है वह गुरबाणी के इस महान चानण की विरोधता दे विच खड़े जिहड़े है वह नज़र आउंदे ने। धन गुरु नानक साहिब महाराज का जिहड़ा उपदेश सर्व सांझा है, सर्वकाली है, सर्वदेशी है, सर्वपक्षी है, इहो कारण है कि धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह का जिहड़ा प्रकाश है वह संसार दे विच होया मनुखता नूं ठारन वास्ते, तपदी हुई धरती दे सीने नूं ठंडिया करन वास्ते। और इस महान प्रकाश पुरब के मौके के उत्ते मैं यही अपील करनी चाहना
कि आओ गुरु नानक साहब जी दीयां सिक्ख्यावां नाल जुड़िए, उन्हां दे महान उपदेशां नूं अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि इहदे नाल ही लोक सुखी ते परलोक सुहेला होना। अज समाज दे विच अफरा तफरी का माहौल है, विश्व जिहड़ा है वह तीजी जंग के मुहाने के उत्ते खड़ोता होया है, मनुखता जिहड़ी है इहनूं दरपेश चुनौतियां का सामना करना पै रहा है। और इको एक फलसफा गुरु नानक साहब महाराज का फलसफा है जिहड़ा मनुख के सामने अज खड़ोतियां जिहड़ियां चुनौतियां ने इहनां नूं सिज्जण दे समर्थ है, जिहड़ा अज तीसरे जंग के तीसरे विश्व युद्ध के बदल बन रहे हैं, इन्हां नूं हटाउण दे लई गुरु नानक साहब जी का जिहड़ा फलसफा है ये एक तेज़ तूफान की न्याई है। इस फलसफे नूं अपने जीवन दे विच धारण करिए, आप अपने बच्चों तक इस फलसफे नूं लैके जाइए, और सारे संसार दे विच गुरु नानक साहब दे थॉट नूं असी जिहड़ा है वह प्रचारण ते प्रसारण दे लई कार्यशील होइए। हर सिख अपना गुरु नानक साहब दे घर दा प्रचारक समझदे होए गुरु नानक साहब दे फलसफे दा प्रचार करे, इंदे नाल ही लोक सुखी ते परलोक सुहेला होना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।